पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, टू डी का पोर्शन है, टू डी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स का, उसका वीडियोस नंबर है थर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में आते रहते हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी इस टाइप के कंपटीशन है या नेट वगैरह है, तो उस टाइप में आते रहते हैं। क्वेश्चन है द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक। कॉनिक है 3 बाई आर इक्वल टू 2 माइनस का 5 कोस थीटा। ऑप्शन ए था 3/2, बी है 5/3, सी है 5/2 एंड डी है नॉन। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है। सॉल्यूशन लेते हैं। एल वाई आर इक्वल टू होता है 1 माइनस का e cos थीटा एंड 1 प्लस e cos थीटा दोनों होते हैं। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्म ले ली जाती है। तो हमारे जो फॉर्म था वो है 3/r, माइनस है तो माइनस वाली हमने ले लिया, 2 माइनस का 5 cos थीटा। यहाँ पे 1 बनाना है तो 2 से डिवाइडिंग कर देते हैं, तो 1 माइनस का 5/2 cos थीटा हो गया। एंड 3/r, 2 को इधर पहुँचा देंगे, 6/r इक्वल टू 1 माइनस का 5/2 cos थीटा। कंपेयरिंग कर देंगे, एल वाई आर इक्वल टू 1 माइनस का e cos थीटा से कंपेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो कंपेयरिंग करने के बाद ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ई इक्वल टू आ रहा है 5/2, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का क्वेश्चन था, तो इसमें पूछा था द पोलर इक्वेशन, ये प्रवक्ता के एग्ज़ाम में आ चुका है और टीजीटी एलटी में जो है आने के ज़्यादा चांसेस इसके हैं। रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, बी ऑप्शन है एन एलिप्स एंड सी ऑप्शन है ए पैराबोला एंड डी है ए सर्किल। सॉल्यूशन लेते हैं। 4/r = 3 + 4 cos थीटा, 4 cos थीटा + 3 sin थीटा है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे 3 + 3 sin थीटा को एक साथ ले लिया, +4 cos थीटा को एक साथ ले लिया, 4/r = दिस कंडीशंस बन गया। अब यहाँ पे 3 कॉमन निकाल दें, 3 1 + sin थीटा + 4 cos थीटा, यहाँ होगा 4/r। ठीक है, 3 से डिवाइडिंग कर देंगे क्योंकि जनरली यहाँ पे 1 हुआ करता था। L/r = 1 + e cos थीटा। अब देखिएगा 1 तो यहाँ नहीं है, 3 से डिवाइडिंग करते हैं, 1 का टर्म बना लेंगे। जब साइन थीटा या कोस थीटा इस तरह का कुछ फंक्शन आता है तो वर्टिकल से कुछ ना कुछ एंगल इंटरसेक्ट वो बना रहा होता है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होता है, तो उस कंडीशन में होता है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे 1 पे ध्यान हमको देना है, 3 से डिवाइडिंग कर देंगे तो 4/3r, यहाँ पे 1 1 + sin थीटा = 4/3 cos थीटा। तो वही होगा L/r = 1 + e cos थीटा, ये वाली कंडीशन हुआ करती है। तो यहाँ पे इस फंक्शन पे ध्यान नहीं देना, e देखेंगे, e = हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो यानी कि 4/3 इज ग्रेटर देन टू 1, यानी e बड़ा है 1 से, तो कंडीशन होगा हाइपरबोला। e 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वहाँ पे ई की वैल्यू पहले फाइंडिंग करेंगे, ई से पता लगेगा कि हाइपरबोला है कि एलिप्स है कि पैराबोला है। ई की वैल्यू 1 होगा तो पैराबोला होता है, ई का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो एलिप्स होता है। ठीक है, तो इसी टाइप का अभी तक क्वेश्चन आया है। बाकी जो हायर लेवल के क्वेश्चन वीडियो नंबर 1 और 2 में कराए थे, तो वो जो क्वेश्चन हैं वो लोअर एग्जाम लोअर PCS या अपर PCS में आए हुए हैं। अब इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दे रहे हैं, a cos थीटा + b sin थीटा, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है लोअर एग्जाम में, लोअर PCS, हो सकता है कि आगे एग्जाम में डाल दें, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स बना के उनको दिया जा रहा है। ये पिछले वीडियोस में हो इसका सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अकॉर्डिंग किया है। पहला ऑप्शन था a² + b² = 1, बी ऑप्शन थे 1 - e² + b² = 1,
एंड सी है ए माइनस का ई का स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एंड डी ऑप्शन है ए माइनस ई का स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का वन इक्वल टू जीरो। तो आंसर इसका आता है बी, सॉल्यूशन इससे पिछली वाली वीडियोस में रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी पी एस पी डेस इज द फोकल कोड, ये भी आर्टिकल था, ये भी हो चुका है पिछली वीडियोस में, इसका है सॉल्यूशन। ठीक है, एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस का ई कॉस थीटा, मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस तरह से बनेगा, देन द वैल्यूज ऑफ वन अपॉन एस पी प्लस के वन अपॉन एस पी डैश इक्वल टू टू अपॉन एल हुआ करता है। तो ऑप्शन ये दिया है टू अपॉन ई होता है, टू अपॉन ई, एंड डी ऑप्शन है थ्री अपॉन ई। तो आंसर आएगा सी, टू अपॉन ई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसको थ्री कह दें, इसको फोर कह दें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर यानी कि फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है द कॉनिक इज एन एलिप्स इफ इट्स इसेंट्रिसिटी ई सेटिस्फाई, पहले ई बड़ा है वन से, ई बराबर वन, सी है ई छोटा है वन से, एंड ई इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा ई छोटा है वन से। द कॉनिक एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस का ई कॉस थीटा रिप्रेजेंट्स ए हाइपरबोला इफ, ए ऑप्शन है ई इक्वल टू जीरो, बी ऑप्शन है ई इक्वल टू वन, सी है ई छोटा है वन से, एंड डी है ई बड़ा है वन से। हाइपरबोले के लिए ई वन से बड़ा होता है, तो ऑप्शन होगा डी। ठीक है ना, यानी कि ई इज ग्रेटर देन टू वन। तो इस टाइप के छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेवन, द पोलर इक्वेशन, द पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉनिक विच इट्स फोकस एट द पोल एंड एक्सेस लाइन द इनिशियल लाइन, एंड एक्सेस लाइ इनिशियल लाइन। तो ऑप्शन था एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस का ई कॉस थीटा, बी ऑप्शन है आर अपॉन एल इक्वल टू वन प्लस का ई कॉस थीटा, एंड सी ऑप्शन है एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस का ई साइन थीटा, एंड डी ऑप्शन है आर अपॉन एल इक्वल टू वन प्लस का ई साइन थीटा। तो जनरल वाले इसका जो फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस का ई कॉस थीटा, तो पहला वाला ही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस का ई कॉस थीटा। एंड क्वेश्चन नंबर है एट, क्वेश्चन नंबर एट है इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ये आर्टिकल में करा चुके हैं, होज सेंटर इज एट पोल इज, यानी इसका इक्वेशन क्या होगा, आर इक्वल टू टू ए कॉस थीटा, एंड बी है आर इक्वल टू टू ए साइन थीटा, एंड सी है आर इक्वल टू ए, एंड डी है आर इक्वल टू टू ए कॉस थीटा माइनस अल्फा। इसका आंसर आता है सी। क्वेश्चन नंबर नाइन, इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स के बारे में उसमें कोई आर्टिकल नहीं कराया था, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस का ई कॉस थीटा, अगर ये कॉनिक हाइपरबोला है तो एसिम्प्टोट्स होता है एल अपॉन आर इक्वल टू प्लस माइनस का कॉस थीटा, ये आंसर इसका होता है। बी ऑप्शन दिया था प्लस माइनस का वन माइनस ई स्क्वायर अपॉन वन प्लस का ई स्क्वायर ई कॉस थीटा, अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, बड़ा सा ऑप्शन देख कर लगा दिया जाता है। तो यह होता है एल अपॉन आर इक्वल टू प्लस माइनस का कॉस थीटा, एंड सी ऑप्शन से आर साइन थीटा माइनस का कॉस इनवर्स वन अपॉन ए प्लस माइनस का बी
और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज पोल ओ ऑन द एक्सिस। ये ऑप्शन है आर इक्वल टू 2a cos थीटा माइनस अल्फा, बी है आर इक्वल टू 2a sin थीटा एंड सी ऑप्शन आर इक्वल टू ए, तो ऑप्शन इसका आंसर ये हो जाएगा एंड डी है इसका नॉन। नहीं, यहाँ पे तो सेंटर इज ओ पोल, हाँ यही वाला है। ठीक है, 11 नंबर है पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पोल एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द इनिशियल लाइन इज, ए ऑप्शन है आर कोस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पी, बी ऑप्शन है आर कोस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू आर जीरो सॉरी एंड सी है थीटा इक्वल टू अल्फा एंड डी है नॉन। इसका आंसर आता है सी, यानी इनमें से कोई नहीं वाला, तो आंसर बनेगा इसका सी। ठीक है,